हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, आप में से अधिकतर वे लोग जो कि हमें पहले से ही फॉलो कर रहे हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, उनको अच्छी तरह से पता है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के हम लोग स्पेशलिस्ट हैं। यानी कि अगर आपका बैकग्राउंड होटल मैनेजमेंट से है, चाहे आपका डिपार्टमेंट सर्विस का हो, किचन का हो, फ्रंट ऑफिस का हो, हाउसकीपिंग से हो, आप किसी भी सेक्टर से हैं, आप फ्रेशर हैं, आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आप चाहे गल्फ में जाना चाहते हो, चाहे आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना चाहते हो, हमारे पास ऑलमोस्ट हर महीने मल्टीपल ओपनिंग्स आती हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बैक टू बैक लगभग हर हफ्ते हम आपके साथ बहुत सारी ओपनिंग्स को शेयर कर रहे हैं। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो इमीडिएटली आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नई दिल्ली भारत में हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है। भारत के लगभग हर एक कोने से हमारे पास जो है कैंडिडेट्स आवेदन कर रहे हैं और सक्सेसफुली फ्लाई कर रहे हैं, आपने देखा ही है। और पिछले कई सालों में हमने कई सारे लोगों को जो है मेंटोर भी किया है। इसके अलावा दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कॉन्ट्रा मेंटर्स का ब्रांच ऑफिस है। देहरादून उत्तराखंड के अंदर जो है हमारा स्किल्स डेवलपमेंट ऑफिस भी है दोस्तों। फिलहाल मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप अपना करियर गल्फ देशों से स्टार्ट करना चाहते हैं तो ओमान की बहुत सारी वैकेंसीज हमारे पास आती रहती हैं, दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट की बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात करूं मैं यहाँ पर, इस ब्लॉग में स्पेशली मैं आपके साथ जो है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के लीडिंग होटल्स की कुछ वैकेंसी शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों। अपने पुराने कुछ ब्लॉग्स में मैंने आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन साझा की थी दोस्तों। मैंने आपको स्पष्ट तौर पर बताया था कि किस तरीके से किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं, हिज हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान जी, किस तरीके से वो जो है देश को नए नए रिफॉर्म्स ला रहे हैं, लिबरलाइज कर रहे हैं, किस तरीके से जो सऊदी अरेबिया जो है टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है, किस तरीके से सऊदी अरेबिया जो है आज की डेट में कतर और दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बराबर जो है तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहले से ही सऊदी अरब जो है एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कंट्री रहा है। आपको पता है सऊदी की जो है ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, दुनिया भर के लोग जो है वहाँ पे जो है हज उमराह के लिए जाते ही हैं, राइट। तो सऊदी अरब जो है गल्फ देशों में नो डाउट एक नंबर वन कंट्री रहा है हर एक परस्पेक्टिव से। और अगर बात की जाए भारतीय कामगारों की, क्योंकि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया अपने आप में इतना बड़ा देश है तो अधिकतर भारतीयों को वो एब्जॉर्ब करने की क्षमता पहले से ही रखता था। हाल के वर्षों में, पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि बहुत तेज़ी से और भी लिबरलाइजेशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, टूरिज्म की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं और इन सभी का बहुत सीधा और अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है स्पेशली हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स पे। तो हमारे वे भाई बहन जो कि अपना करियर गल्फ से स्टार्ट करना चाहते हैं दोस्तों, कई बार मैं देखता हूँ कि लोगों के मन में कुछ गलत धारणाएँ हैं सऊदी को लेकर, राइट, करियर को लेकर। उनको लगता है कि अगर हम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में जाएंगे तो क्या पता हमें अच्छे ब्रांड्स ना मिलें, क्या हमें वहाँ पर प्रॉपर फ्रीडम या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, देखिए आज की डेट में किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के अंदर दुनिया की बेहतरीन ब्रांड्स हैं। इनफैक्ट अगर आप सैलरीज को कंपेयर करेंगे तो आमतौर पर मैंने देखा है कि सऊदी के अंदर, कुवैत के अंदर, ओमान के अंदर काफ़ी अच्छी सैलरीज आ रही हैं। स्पेशली अगर हम बात करें यूएई से, अगर हम उसको कंपेयर करते हैं, नो डाउट यूएई एक एवरग्रीन कंट्री है। यूएई के लिए भी हम लोग आपको मेंटर करते हैं, हमारा खुद का ब्रांच ऑफिस दुबई के अंदर है। यूएई की अपनी अलग विशेषताएं हैं, अलग स्पेशलिटीज़ हैं, बट सऊदी बहुत तेज़ी से रिवैम्प हो रहा है, बेहतर होता चला जा रहा है, राइट। हमारे पास कुछ वैकेंसीज हैं वहाँ के लीडिंग होटल्स हैं। अधिकतर जो ये होटल्स हैं ये इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, मीन्स जितनी भी बड़ी प्रॉपर्टीज़ के नाम आपको पता हैं जो कि मल्टीनेशनल हॉस्पिटैलिटी ब्रांड्स हैं, इन सभी में आपके डिप्लॉयमेंट कराए जाएंगे। हमने MOU साइन किया है वहाँ की एक बहुत बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी के साथ में, जिनका काम है बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ कैंडिडेट्स को डिप्लॉय करने का। तो अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं, आपके पास एक साल का एक्सपीरियंस है, दो साल का एक्सपीरियंस है, तीन साल का एक्सपीरियंस है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वर्किंग आवर्स में आप हमारी टीम को कॉल करें। इमीडिएटली हमारे पास जो रनिंग वैकेंसीज हैं डेफिनेटली हमारी टीम आपको उसके बारे में बताएगी। साथ ही साथ आने वाले समय में जो भी वैकेंसीज आएंगी गल्फ में या यूरोप में तो उनके लिए भी आपको बताया जाएगा। एग्जैक्टली आज की डेट में जब ये ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो हमारे पास स्पेशली सऊदी की कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल हैं दोस्तों, ध्यान रहे ये सभी के सभी कैंडिडेट्स जो हैं स्टार प्रॉपर्टीज़ में ही डिप्लॉय होंगे, बड़ी बड़ी ब्रांड्स में ही डिप्लॉय होंगे। डेजिग्नेशन को एक बार आप लोग समझ लीजिए, हमें रूम बॉयज़ चाहिए, वेटर्स चाहिए, बरिस्टास चाहिए दोस्तों, लॉन्ड्री मैन चाहिए, हमें लाइफ गार्ड्स चाहिए, बेल बॉयज़ चाहिए, इसके अलावा हमें कुक्स चाहिए, स्पेशली क्वांटी कुक्स चाहिए दोस्तों, बेकरी और पेस्ट्री शेफ्स हमें चाहिए, CDPs चाहिए,
इसके अलावा फ्रंट ऑफिस के लिए हमें रिसेप्शनिस्ट के लिए लोग चाहिए, और आपको पता है कि हर एक होटल में जो है एक मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट होता है, तो उसके लिए हमें एसी टेक्नीशियंस, इलेक्ट्रिशियंस कम प्लम्बर्स चाहिए। इन सभी डेजिग्नेशंस पर जो है आपको आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से, आपके इंटरव्यू के हिसाब से आपको जो है सैलरीज दी जाएंगी। अब ये समझ लें कि लगभग 1200 सऊदी रियाल से लेकर 4000 सऊदी रियाल या उससे अधिक भी आपको दिया जा सकता है, डिपेंड करता है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए, अगर आप एक फ्रेशर हैं या आपने कहीं से सिर्फ एक सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स किया है और आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं दुनिया की बेहतरीन ब्रांड्स के साथ, तो ये मौका भी आपके लिए है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अच्छी तरह से पता होगा कि दुबई की भी फेमस ब्रांड्स के साथ हम लोग इंटरव्यूज कराते रहते हैं। इस महीने भी हमारे एक से दो इंटरव्यू हैं जहां पर आप हाउसकीपिंग, सर्विस और किचन हेल्पर के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप मेरी टीम को कॉल करके पूछ सकते हैं कि मैम कौन सा इंटरव्यू होने वाला है, सर ने ब्लॉग में डिस्कस किया था उसके बारे में बताया था थोड़ा सा। दोस्तों, सऊदी की बात चल रही है तो मैं आपको बता दूं कि ये 2 साल का वर्क वीज़ा रहेगा, 8 घंटे की ड्यूटी, 1 घंटे का ब्रेक, ओवर टाइम आप करेंगे तो आपको दिया जाएगा। हफ्ते में 6 दिन आपको काम करना रहेगा, हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी आपको मिलेगी। रहने के साथ साथ खाना भी यहाँ पर पूरी तरह से फ्री है, मैं बात कर रहा हूँ सऊदी की दोस्तों, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस आपके एम्प्लॉयज आपको देंगे। 2 साल पूरा होने के बाद इकोनॉमी क्लास की टिकट आपको आने जाने के लिए दी जाएगी। 2 साल के बाद आपको 42 दिन की पेड लीव भी यहाँ पर दी जाएगी। ध्यान रहे, पहले 3 महीने जो है आपका प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर रहेगा। देखिए, जो कुछ मैंने आपको बताया इसमें थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ योर ओवरऑल प्रोफाइल, योर क्वालिफिकेशन, योर वर्क एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरव्यू, राइट। 19-20 हो सकता है कुछ चेंजेस, कुछ सैलरी बढ़ सकती है, कुछ घट सकती है, कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल सकती हैं, लेकिन बॉटम लाइन यही है दोस्तों कि हॉस्पिटैलिटी की मल्टीपल ओपनिंग्स हैं हमारे पास, ऑलमोस्ट 12 महीने रहती हैं। आप चाहे गल्फ जाना चाहें, चाहे यूरोप जाना चाहें, कॉन्ट्रामेंटर्स को जरूर कंसल्ट करें, वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल करें, हम आपके डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर बनाकर अपने पास रख लेंगे, आपकी सभी डिटेल्स को हम ले लेंगे, और जैसे ही आपके लायक कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो इमीडिएटली हमारी टीम जो है आपको बताएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म्स पर जो है हम लोग अवेलेबल हैं। हमारी वेबसाइट www.contramentors.com पर भी जो है लेटेस्ट अपडेट्स को आप जाकर देख सकते हैं। जब भी आप भारत से विदेश जाएं, स्पेशली अगर आप नौकरी के लिए जाएं, तो भारत सरकार विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड ऑफिस के थ्रू ही जाएं। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर आप जो है लिस्ट चेक कर सकते हैं कि भारत में कितने सारे लाइसेंस्ड ऑफिस हैं। भारत के लगभग हर राज्य में दोस्तों बहुत ही अच्छे ऑफिसेज हैं, और अगर आप हमें सेवा का मौका देंगे तो ऑफकोर्स हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।